इमिडिएटली आफ्टर द इलेक्शंस द फिल्म इज़ रिलीजिंग, सो ये भी बहुत अच्छी बात है. और फिल्म के बारे में जो भी चीज़ दिखाई गई है 100% लाइक सच है, हमारे देश में क्या होता है, कैसा होता है और क्या क्या बुरी चीज़ें हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, किसको फॉलो करना चाहिए किसको नहीं, एकदम सही बताया गया इस फिल्म में. इन दिनों पर्सनली मैं तो आई एम डूइंग अ टीवी शो कॉल्ड रूप ऑन कलर्स एंड इलेक्शन चल रहे थे. आई एम गोइंग टू माय होम टाउन धर्मशाला फॉर वोटिंग. 19th को वोट है वहाँ पे, सो आई विल बी गोइंग देयर. और साथ साथ में MTV पे मेरा शो आता है बॉक्स क्रिकेट लीग रियलिटी शो, वो चल रहा है. जी प्रोमो बहुत ही अच्छा है, गैवी चहल अच्छे से छा गए हैं एंड जितना भी प्रोमो में दिखाई दे रहा है इट्स बीन शॉट वेरी ब्यूटिफुली. ऑल द एक्टर्स हैव परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली. बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म है एंड बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे कंट्री के जिसको ये फिल्म हिट करेगी एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ बिग बिग हिट. और एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि डायरेक्शन बहुत अच्छा है फिल्म का. मिस्टर लोम हर्ष जो कि बहुत प्रिय मित्र हैं हमारे, बहुत अच्छा डायरेक्शन किया. और हमारे जो भाई हैं मिस्टर गैवी चहल, उन्होंने बहुत अच्छे से अपना किरदार निभाया है. सो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाइए और फिल्म को देखिए, अपना प्यार दीजिए. चुनाव का माहौल है जी, एक बदलाव करना होगा देश में, तो कौन सा बदलाव आपके लिए? एक बदलाव जो मैं करना चाहूँगा मेरे अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए कि आप कह सकते हैं कि पॉवर्टी जो हमारे देश की है उसको ख़त्म करना चाहिए. अगर अमीर है तो कुछ लोग इतने ज़्यादा अमीर हैं, गरीब हैं तो कुछ लोग ऐसे गरीब हैं कि वो दो टाइम की रोटी नहीं खा सकते. सो देर शुड बी एन एंड टू पॉवर्टी. मैं ये नहीं कह रहा कि गरीबी एकदम से ऐसे हट जाएगी, बट तरीके से सरकार को ये तरीका अपनाना चाहिए कि सबको पॉवर्टी एंड करनी चाहिए इस देश से. किस तरह से देन वो इट बेटर. फर्स्टली मेरे को लगता है हमारे देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं. बट द प्राइमरी कॉज ऑफ एवरीथिंग इज़ एजुकेशन. आई फील जितने ज़्यादा एजुकेटेड हमारे सिटीजन्स होंगे उतने अच्छे से हम हमारी सारी प्रॉब्लम्स को डील कर पाएंगे. सो आई फील एजुकेशन इज़ द प्राइम प्रॉब्लम. सो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि पॉवर्टी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं उनको शिक्षा के लिए वो शिक्षा नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द मनी, पैसे के कारण वो स्कूल नहीं जा पाते. सो एजुकेशन होगी, एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड होगी, नेचुरली दे विल बी मच मोर सक्सेस इन देयर लाइफ एंड एवरीवन विल बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज नॉट हैपनिंग. आलोक नरूला जी को भी चेंज होना चाहिए, हमारा देश बेटर हो जाएगा. मुझे किस वे में चेंज होना चाहिए? थैंक यू.